कांवड़ यात्रा 2024 जब से शुरू हुई है तब से हरिद्वार में कांवड़ियों का हुजूम उमड़ रहा है। दिन प्रतिदिन यात्रा नए आयाम छू रही है। कांवड़ पटरी और हाईवे से लाखों की संख्या में यात्री गुजर रहे हैं। वहीं अब ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से भी कांवड़ यात्री धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। रात होते ही हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर डीजे की धुन पर लाखों कांवड़ यात्री झूमते गाते नजर आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 6 दिन के भीतर ही 79,40,000 शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य को रवाना हुए हैं। वहीं आज शाम तक ये आंकड़ा 125 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। बता दें कि शनिवार को 30 लाख यात्री गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए निकले थे। इस दौरान गंगा में डूबने से एक कांवड़ यात्री की मौत हुई है, जबकि 3 कांवड़ियों को डूबने से बचाया गया। वहीं धर्मनगरी में कांवड़ मेले में रोजाना लाखों शिव भक्त गंगा जल भरने के लिए पहुंच रहे हैं। पहले दिन 2,40,000 और दूसरे दिन 4 लाख कांवड़ियों ने गंगा जल भरा था। तीसरे दिन 6 लाख गंगा जल भरकर अपने गंतव्य को निकले थे। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस महकमा भी अलर्ट मोड पर है। कांवड़ियों और बड़े वाहनों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है। हरिद्वार आने वाले डाक कांवड़िये के वाहनों को बैरागी कैंप में ही ठहराया जाएगा, जबकि हरिद्वार दिल्ली हाईवे को एग्जिट के लिए फ्री रखा गया है। सभी वाहन हाईवे से ही वापस जाएंगे। वहीं हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को भी शिफ्ट करके 4 अलग अलग अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। हर रूट के लिए शहर के बाहर अलग अलग बस स्टैंड बनाया गया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आज से लागू किया गया ट्रैफिक और डायवर्जन प्लान महाशिवरात्रि पर्व तक लागू रहेगा। जो देहरादून या चंडीगढ़ से आने वाली जो गाड़ियां या हिमाचल से, वो मोतीचूर के पास उनका बस स्टेशन बनाया गया है। इसी क्रम में जो दिल्ली मेरठ इधर साइड से आने वाले जो व्हीकल्स हैं उनको हम लोगों ने जो मेन रोडवे स्टेशन है वहाँ से हटा के उसका वो उसको चेंज किया है, और नीलधारा हमने तीसरा रेलवे वो बस स्टेशन बनाया है, जहाँ पर जो भी बसें हैं जो मुरादाबाद या नजीबाबाद की ओर से आने वाली हैं उनको वहाँ रखा गया है। और ऋषिकुल में हमारा सेकंड रोडवे स्टेशन बनाया गया है, तो जो भी यात्रीगण हैं वो वहीं से ही अपनी गाड़ियों को पकड़ेंगे या वहीं तक आएंगे। इस क्रम में जो हमारी जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं, जितने ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, जितने भी जो कांवड़ के यात्रीगण हैं, वो बैरागी की ओर आएंगे और वहीं से ही प्रस्थान करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।